हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू देकेडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डायमेंशंस इक्वेशन। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी उसके बारे में देखा, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है उसके बारे में देखा, जिसमें हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे कि डायमेंशनल फार्मूला जैसे एरिया है, वॉल्यूम है, फोर्स है। तो फॉर द स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट उस वीडियो को आप जरूर देखेंगे, तभी आप इसको सब समझ सकते हैं आगे। फिर भी हम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं डायमेंशंस होता क्या है। डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी टू विच इट इज रेज्ड टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर्स होता है वही उसका क्या होता है, डायमेंशंस होता है। क्योंकि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता से बनती हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार उसमें सम्मिलित है तो उसी के टर्म हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो पावर्स होते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए वो डायमेंशंस कहे जाते हैं। तो उसके बारे में हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 वीडियो में देखा था। तो आप अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा उस वीडियो को। तो आप देखेंगे डायमेंशनल इक्वेशंस, बीमी समीकरण। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट करते हैं, तुलना करते हैं, तो उसे हम डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जब भी फिजिकल क्वांटिटी को, भौतिक राशि को उसके डायमेंशनल फार्मूला के साथ लिखते हैं, बराबर करके डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, तो वो डायमेंशन क्या बदल जाता है, डायमेंशनल इक्वेशन हो जाता है। क्या हम देखेंगे, व्हेन एवर फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड विथ डायमेंशनल फार्मूला वी गेट डायमेंशनल इक्वेशन। यानी किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला के साथ लिखते हैं बराबर करके, तो जो हमें मिलता है क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन होता है, अर्थात वीमी समीकरण होता है। जैसे देखें फोर्स की बात करें, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ML(t)-2। आप देखेंगे इसको हमने पार्ट नंबर 1 में निकाला था, F=ML(t)-2। डायमेंशनल फार्मूला को स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं तो हो जाता है डायमेंशनल फार्मूला। और इसी डायमेंशनल फार्मूला के साथ उसका फिजिकल क्वांटिटी भी हम लिख देते हैं इक्वल साइन के साथ, तो क्या हो जाता है, डायमेंशनल इक्वेशन हो जाता है। इसमें जो भी पावर हैं जैसे m यानी मास, l लेंथ, t यानी टाइम, यानी फोर्स जो है कहीं कहीं तीन फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता से मिलकर बनी है। एक तो मास से मिलकर बना है, लेंथ से मिलकर बना है और टाइम से मिलकर बना है। और जिसका डायमेंशंस क्या है, टाइम का -2, एल का 1, एम का पावर 1। इस वजह से जो फोर्स का डायमेंशन अगर हम निकालना चाहते हैं तो एम का 1 है, लेंथ का 1 है, टाइम का -2 है। इस प्रकार से डायमेंशन हम निकालते हैं, पावर जो होता है डायमेंशन शो करता है। ये तो है डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में। अगला टर्म अगर बात करें, हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। समांगता सिद्धांत। तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग
हम सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट डिफरेंट क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। जैसे लेंथ है तो लेंथ में ही जोड़ेंगे, लेंथ को लेंथ में ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि लेंथ को हम मास में ऐड कर सकते हैं। जैसे 10 की ग्राह कोई मटेरियल है, वजन है, तो हम उसको 10 मीटर लेंथ से नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि लंबाई एक अलग क्वांटिटी है और मास एक अलग क्वांटिटी है। इट कैन नॉट बी एडेड आर सब्ट्रैक्टेड, बट कैन बी मल्टीप्लाई आर डिवाइड। यानी कि डिफरेंट क्वांटिटी को हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट हम केवल सेम क्वांटिटी का ही कर सकते हैं, लेंथ का लेंथ में, मास का मास में। तो वो होता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यानी हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ओनली same quantity only can be added or subtracted. आगे और भी हम लिख सकते हैं, डिफरेंट क्वांटिटी कैन बी मल्टीप्लाई आर डिवाइड। तो जनरली क्या होता है, सेम क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ये तो रहा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। खासतौर से यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जैसे है लेंथ है 20 मीटर, तो कोई और ही लेंथ हम इसमें जैसे 10 मीटर जोड़ना चाहे तो वही जोड़ सकते हैं, आएगा 30 मीटर। ऐसा नहीं कि लेंथ प्लस मास कर देंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। 10 मीटर है या कुछ और है इसका वैल्यू है तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि होमोजेनिटी समानता की बात होनी चाहिए यहाँ पे। तो इसको आप जानते रहें, आप इसको नोट कर लें, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। आगे देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, वीमी विश्लेषण का अनुप्रयोग। यहाँ में वीमी विश्लेषण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसे हम देखेंगे। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं वीमी विश्लेषण का अनुप्रयोग, जिसमें क्या है, पहला पहला है किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक पद्धत से दूसरे पद्धत में कन्वर्ट करना, यानी भौतिक राशि की मात्रक को एक पद्धत से दूसरे पद्धत में बदलना। ये टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो कन्वर्ट माने बदलना, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियों के मात्रक को, भौतिक राशि के मात्रक को बदलना किसमें, तो कन्वर्ट यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। इसको हिंदी में लिख सकते हैं क्या, भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धत के मात्रक से दूसरे पद्धत के मात्रक में बदलना, ये वीमी विश्लेषण का अनुप्रयोग है। इंग्लिश में आप साथ साथ समझते जाएंगे, टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। दूसरा, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना है अभी, तब तक आप दूसरा जान लें।
दूसरा क्या है कि डायमेंशनल करेक्टनेस, यानी भौतिक जो उसमें संबंध है, भौतिक राशि में जो संबंध होता है उनके बीच में हमें बीमी सत्यता की जांच करना है, बीमी विश्लेषण के माध्यम से उनकी सत्यता चेक करनी है कि रिलेशन सही है या गलत है। एक प्रकार से जो फार्मूला है वो सही है कि गलत है। तो डायमेंशनल फार्मूला के माध्यम से हम किसी फिजिकल रिलेशन यानी भौतिक राशि में जो संबंध है, जो फार्मूला है, उसके माध्यम से यानी बीमी विधि से उसको हम चेक कर सकते हैं कि ये सही रिलेशन है या गलत रिलेशन है। ये बड़ा अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे लिखेंगे चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन कोई भी फिजिकल रिलेशन है, भौतिक राशि में कोई संबंध है, अगर उसका करेक्टनेस डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली उसका फार्मूला अगर करेक्ट है, इट मीन्स वो फार्मूला क्या करेक्ट होगा। तो अगर डायमेंशनल फार्मूला दोनों तरफ जो होमोजेनिटी का फार्मूला होता है वो क्या होता है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, केवल सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं। तो उसके माध्यम से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। अभी हम आगे देखते हैं दूसरा तीसरा कंडीशन। एक तो ये होगा विभिन्न भौतिक राशियों में, जो तीसरा कंडीशन है वह विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, यानी एक प्रकार से फार्मूला बनाना। ये बड़ा अपने आप में इम्पोर्टेंट है। डायमेंशनल एनालिसिस का जो ये हमने थर्ड वाला पॉइंट जो है अपने आप में बड़ा इम्पोर्टेंट है, यानी कि किसी आपको दो तीन बहुत फिजिकल क्वांटिटी पता हो जाए और उनके बीच में क्या रिलेशन है, यानी क्या फार्मूला है उनके बीच में, वो कैसे हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आपका थर्ड एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में चैप्टर। इस हिसाब से आप देखेंगे टू स्टेब्लिश ए फिजिकल रिलेशन क्या आप लिख सकते हैं ऐसे टू स्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी ये क्या है, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। अर्थात सीधी सीधी बात, भौतिक राशियों में जो संबंध हम स्थापित करते हैं अर्थात फार्मूला, वो जो है हम डायमेंशनल एनालिसिस के माध्यम से कर सकते हैं। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पहला देखेंगे क्या, टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। तो पहला, बाकी आप नोट कर लें, उसके बाद हम चलते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट देखेंगे टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट यहाँ हो जाएगा ऑफ अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। एक चीज आप जानते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का हमारा जो तरीका है वह क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। हमें न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट पता हो जाए तो उसके माध्यम से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने का हमारा एक तरीका है, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट। और ये जो वैल्यू होता है कांस्टेंट होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट कांस्टेंट। अगर हम इसका
न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दें या यूनिट चेंज कर दें, जैसे n1 u1 इक्वल टू n2 u2 इक्वल टू n3 u3, ये अपने आप में क्या कांस्टेंट है। कहने का मतलब ए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिटन एज न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू है इतना कंफर्म है। अब ध्यान दें n1 न्यूमेरिकल वैल्यू है, u1 आपका ये उसका यूनिट है, ए फर्स्ट फॉर्म यानी वन सिस्टम ऑफ यूनिट। दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ और है लेकिन u2 अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी जब आपका यूनिट चेंज होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाता है। तो वैसे भी हमें अलग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप देखेंगे जैसे u1 का वैल्यू इस समय मान लीजिए है n1, तो n1 है, इसका जो सिंबल अगर बात करें यहाँ से अगर हमें n2 का वैल्यू निकालना है, जैसे n1 पता है आपको न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट सिस्टम में पता है, पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू में पता है, जैसे लेंथ आपको दे दिया गया 20 मीटर, तो हम कहेंगे मीटर MKS पद्धति में हमने मीजर किया है, MKS में मीटर वैल्यू है। लेकिन अगर इसी हम कह दें सेंटीमीटर में वही वैल्यू कितना होगा, अगर लेंथ आपको पता है 10 मीटर तो CGS में अर्थात सेंटीमीटर जो आपका सिस्टम ऑफ यूनिट है क्या है, एक तो MKS है CGS है, तो MKS में दे दिया वैल्यू 10, यानी एक प्रकार से n1 आपको पता हो गया 10, क्लियर। u1 क्या पता है मीटर, ये पता है। अब कह रहा है CGS में n2 और u2, तो CGS में इसका u2 क्या होगा, तो इसके लिए क्या होगा सेंटीमीटर। अब बात एक सेंटीमीटर में कितना वैल्यू होता है, तो 10 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 10 में क्या हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर, ये तो हो जाएगा n1 और ये क्या हो जाएगा u1, ये क्या है ये n2 है और ये u2 है। इस प्रकार से अगर n1 हमें पता है तो हम n2 निकाल सकते हैं another form of unit, फर्स्ट यूनिट पता है, फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, तो दूसरी यूनिट में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यही हमारा एप्लीकेशन है फर्स्ट। तो आप देखेंगे तो मान लीजिए फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या होगा, मान लीजिए m1 l1 और t1, पहले सिस्टम में क्लियर भाई, मात्रक का आपने कुछ उसका यूनिट जो डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे m1 l1 t1। जनरली क्या होता है मैकेनिक्स में, सबसे पहले तीन क्वांटिटी आई थी मास लेंथ और टाइम, उस कंडीशन में डायमेंशनल फार्मूला जो लिखा गया m और l और t को स्टैंडर्ड मान के लिखा गया, बाद में बहुत सारी क्वांटिटी आई तो जनरली हम इसको क्या लिखे m1 l1 और t1। n2 यहां देखेंगे n2 न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, u2 मान ली इस समय इसका जो है डायमेंशनल फार्मूला है m2 l2 और t2 विद द स्क्वायर ब्रैकेट। अगर यहां से हमें n2 का वैल्यू निकालना है तो ध्यान दें n2 क्या हो जाएगा, ये टर्म मल्टीप्लाइड है इधर आके डिवाइड करेगा, इट मींस n1 इसको हम लिख सकते हैं m1 l1 t1 अपॉन m2 l2 और t2, ये चीज है। इस प्रकार से हम n2 का वैल्यू निकाल सकते हैं इन सेकंड फॉर्म में। आप देखें n2 n1 इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं m1 l1 t1 अपॉन m2 l2 और t2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो हमारा तरीका है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करके उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन अगर देखें, पहले तो आप इसको नोट कर लें,
फोर्स है, फोर्स मान लीजिए 1 न्यूटन दिया गया है। किस सिस्टम दिया गया है? एमकेएस सिस्टम में। एमकेएस सिस्टम में फोर्स दिया गया है 1 न्यूटन, और इसको हमें कन्वर्ट करना है सीजीएस में, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो आप देखें एमकेएस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू 1 और उसका यूनिट न्यूटन। न्यूटन तो एज ए साइंटिस्ट नेम की वजह से है, बट एक न्यूटन बराबर ये भी जानते होंगे, यहाँ पर फार्मूला देखें, फोर्स बराबर होता क्या है, एम इंटू ए, मास का तो किग्रा हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर ना, यही किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही न्यूटन की जगह, यानी 1 न्यूटन बराबर 1 किग्रा इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो हम ये ऐसा सपोज करके चलेंगे एम के सिस्टम में न्यूटन का मतलब यही है। तो चले न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता है, यहां हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता है। सीजीएस मीन सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, क्योंकि आप देखें जो भी आपकी सिस्टम आप यूनिट कंसीडर की गई हैं उनको स्टैंडर्ड किस रूप में माना गया है, एम के एस, ये जो है आपका मीटर किलोग्राम सेकंड, अर्थात 3 क्वांटिटी को स्टैंडर्ड मान के आपका सिस्टम ऑफ यूनिट कंसीडर किया गया है। मीटर मीन्स लेंथ, किलोग्राम मीन्स मास, सेकंड मीन्स टाइम, यानी लेंथ मास और टाइम को अज्यूम किया गया है एज ए स्टैंडर्ड। डायमेंशनली अगर बात करें सीजीएस में भी वही सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। उसके बाद में इससे पहले एक और था एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड, जो ब्रिटिश सिस्टम था, वैसे भी उसका ज़्यादा यूज अब नहीं होता है। चौथा बाद में आया एसआई सिस्टम, जो बाद में इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें 7 क्वांटिटी कंसीडर की गई कि वो फंडामेंटल होती हैं। बट जो आपका पुराना धारणा यानी पहले की जो प्रवृत्ति थी मानी गई वो क्या थी, केवल लेंथ मास और टाइम को ही फंडामेंटल माना गया, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो सिस्टम ऑफ यूनिट कंसीडर किया गया एम की एस, सी जी एस, एफ पी एस, वो तो बाद में इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मीन्स एसआई सिस्टम। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो एम के एस और सी जी एस में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू आपका बन दिया है एन वन तो 1 है, और यू वन एम के एस में है, तो इसको हम कंसिडर कर रहे हैं एम, चले इस फिजिकल क्वांटिटी को हमने लिखा न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू और एम के एस में न्यूमेरिकल वैल्यू एन वन है जिसको हम माने यू वन अर्थात न्यूटन, और सी जी एस में न्यूमेरिकल वैल्यू एन टू और यूनिट यू टू। बट क्या होगा, वैल्यू दोनों का कांस्टेंट सेम होगा, पद्धत अलग अलग है, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है, इसका मतलब वैल्यू नहीं चेंज होगा, क्वांटिटी तो वही है। चले यहां आप देखेंगे हमें चाहिए एन टू, सी एस में निकालना है एन टू का वैल्यू, तो एन टू क्या हो जाएगा यहां से एन वन यू वन अपान यू टू। चले एन वन का वैल्यू पता है 1, यू वन को हम लिख सकते हैं एम वन एल वन टी वन अपान एम टू एल टू और टी टू, नीचे डायमेंशनली अगर रिप्रेजेंट करें एम वन एल वन टी वन एम टू एल टू टी टू। एक चीज जान लें, क्योंकि यूनिट कौन सा है, फोर्स है, तो उसका जो आपका फोर्स है उसका यूनिट न्यूटन है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है, एम वन एल वन टी वन माइनस टू एम टू एल टू टी टू माइनस टू, यही होगा। आप ध्यान से देखें तो एम के एस पद्धति में मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, लेंथ को मीटर में, मास को किग्रा में और टाइम को सेकंड में लिखते हैं,
एन टू, ये हो जाएगा एम वन, क्योंकि कन्वर्ट किसमें हमें करना है, सीजीएस फॉर्म में। तो एम वन किसमें है, मीटर, तो एक मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो पता चला 100 हो जाएगा। इनटू इनटू इधर आप देखेंगे L1 कितना है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहां पे, एक मिनट, मास है M1, ये चूंकि हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम में, तो M1 की ग्राम है, तो आप देखेंगे लिखेंगे कि ग्राम, और ये किसमें है, L1 किसमें है, मीटर, और ये किसमें है, सेकंड, कुछ ऐसा ही है। नीचे सेंटीग्राम, लेंथ किसमें है, सेंटीमीटर इनटू सेकंड माइनस कुछ, ये सेकंड सेकंड तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखें न्यूमेरिकल वैल्यू में निकालते समय किग्रा की कन्वर्ट कर देना है किसमें, सीजीएस में हमें कन्वर्ट करना है, तो हो जाएगा किग्रा 1000 ग्राम हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो सेकंड वैसे पहले से ही कट गया, अपान नीचे क्या बचा, सेंटीग्राम और इनटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सीजीसी स्क्वायर, ये तो हाँ थोड़ा सा मिस्टेक मुझसे हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे सीजीएस में लेंथ को सेंटीमीटर से नापते हैं और जी यानी ग्राम जो मास है वो ग्राम से मेजर करते हैं, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा भूल किया जो सीजी लिख दिया। तो आप देखेंगे ग्राम ग्राम से कैंसिल, तो वैल्यू आपको पता हो गया क्या, एन टू थ्री टू यानी अर्थात 10^5। सीजीएस में जो यूनिट फोर्स का सपोज किया गया है वो अर्ग, क्या सपोज किया गया है, अर्ग, सॉरी ओवर के लिए है, ये डाइन है, क्या है फोर्स का यूनिट, डी वाई एन ई। तो आप देखेंगे इस प्रकार से एक यूनिट, एक न्यूटन फोर्स का वैल्यू सीजीएस में कन्वर्ट करना है और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम निकालेंगे तो इस रूप में, तो एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू, आप यहां पाएंगे यहां से एन टू बराबर क्या हो जाएगा, एन वन यू वन अपॉन यू टू, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा एम वन एल वन टी वन माइनस टू, और यहां पे एम एल टू एम टू एल टू टी टू पावर माइनस टू नीचे। तो एम वन किसमें है, कि ग्राम है, एल वन किसमें है, मीटर में है, एम के एस में है, टाइम सेकेंड में है, और सीजीएस में है अर्थात ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड। तो इसको सीजन कन्वर्ट करके आप देखेंगे ये आएगा, और इस प्रकार से न्यूमेरिकल वैल्यू जो आया है फोर्स का सीजीएस में 10^5, और जो यूनिट होगा क्या होगा, डाइन होगा। तो इस प्रकार से जानते रहे, इसी प्रकार आप वर्क का भी निकाल सकते हैं, वर्क आप नोट करेंगे इसको, जैसे आपने कह दिया गया वर्क दे दिया गया 1 जूल 1 जूल, तो डब्ल्यू बराबर वैसे भी फार्मूला आप जानते हैं एफ इंटू डी, ये होता था न्यूटन मीटर, या अगर हम डायमेंशनली रिप्रेजेंट करें इसको रहेगा कि ग्रा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, कुछ ऐसा ही होगा इसका यूनिट। तो चले एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू, एन वन यहाँ से हमें एन टू अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, एन वन यू वन अपान यू टू, तो डायमेंशन ही अगर लिख दें तो एन वन, एन वन का वैल्यू कितना है, वन ही है, यू वन का वैल्यू हो जाएगा एम वन एल वन टी वन, यू टू हो जाएगा एम टू एल टू और टी टू।
तो आप ध्यान देखें, ये आपका एमकेएस में दिया गया है, इसमें है एमकेएस में, सीजीएस में हमें निकालना है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आप देखें न्यूमेरिकल वैल्यू एन टू, एम मास किग्राम होता है, एन टू बराबर हमें निकालना है किग्राम, मास को किग्राम से कन्वर्ट कर लेंगे इसमें ग्राम में, तो हो जाएगा 1000 ग्राम। एल क्या है आपका मीटर में है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 सेंटीमीटर। ध्यान दें इसका जो यूनिट है किग्राम मीटर स्क्वायर है, तो इस प्रकार से इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर इनटू टाइम, टाइम आपका सेकंड, माइनस टू अपान, ये तो आपका ग्राम में ही है और ये आपका सेंटीमीटर में है, नीचे टाइम आपका सेकंड, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर ही। आप ध्यान दें एन टू इक्वल 1000, 100 का स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे 10000, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे आएगा डायरेक्ट 10^7। आप देखें 3 0 और 2, चूंकि स्क्वायर करेंगे तो 4 0 हो जाएगा, तो 10^7 ग्राम ग्राम से कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 10^7 वैल्यू आया। और वर्ग का यूनिट सीजीएस में क्या होता है, वह अर्ग होता है, क्या होता है अर्ग, न्यूमेरिकल वैल्यू आपका 10^7 आएगा बट अगर हमें यूनिट के साथ लिखेंगे तो अर्ग होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो भी एप्लीकेशन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।